हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मधुत गुप्ता। दिस इज़ द नेक्स्ट लेक्चर इन आवर बजट इकोनॉमिक सर्वे सीरीज़, जिसमें हम बात करेंगे ट्रेड की। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की, इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे मर्केंडाइज इंपोर्ट की, सर्विस एक्सपोर्ट की, सर्विस इंपोर्ट की। क्या हैं हमारे ट्रेड के कॉम्पोनेंट्स, किस तरीके से इम्पोर्ट में और सर्विसेज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, ये सारी की सारी बातें इस पर्टिकुलर लेक्चर में करने वाले हैं GS मेन्स पेपर 3 और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ने से पहले, 6 कोर्सेज आ रहे हैं मेरे अनअकैडमी पे, लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन अनअकैडमी। पहला है पॉलिटी फुल फ्लेज्ड कोर्स, जो कि 27 अप्रैल से शुरू होगा और 13 जून को खत्म होगा। ये लेट नाइट बैच है जो रात को 11 बजे शुरू हुआ करेगा, जिससे कि पूरा दिन आप अपना रिवीजन करें, सेल्फ स्टडी करें और रात को यू कैन अटेंड दिस पर्टिकुलर बैच। मॉडर्न हिस्ट्री क्रैश कोर्स, CSAT क्रैश कोर्स, इकोनॉमी क्रैश कोर्स, साइंस टेक क्रैश कोर्स। इसी के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर फुल फ्लेज्ड कोर्स 16 जून से शुरू हो रहा है। सारे के सारे लिंक्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल का, जरूर ज्वाइन करिए। आपको वहां पर सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे अबाउट माई यूट्यूब क्लासेस, फ्री लेसन एंड पेड कोर्सेस। ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, यू कैन यूज माई रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। सिंपली मेरा नाम डालना है एंड यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस। सो डू यूज दिस रेफरल कोड फॉर 10% डिस्काउंट टू एक्सेस ऑल द कोर्सेज, लाइव, रिकॉर्डेड, डाउट रेजोल्यूशन, नोट्स, PDFs, डायरेक्ट इंट्रैक्शन एंड मच मोर, लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन अनअकैडमी प्लस। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, इस लेक्चर में सबसे पहले बात करेंगे मर्केंडाइज इम्पोर्ट की, कि हम क्या क्या इम्पोर्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे दिखाता है कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल। अब इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है, तो हमारे को पता है कि इंडियन इकोनॉमी का कंपोजिशन ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जो हमने इंपोर्ट करा है वो है क्रूड ऑयल। ये दिखाया गया है कि एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हमारे इम्पोर्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन हो रहे हैं। ये ग्राफ हमारे को दिखाता है कि 2011-12 में हमारे इम्पोर्ट्स थे 26.8% ऑफ द GDP, लेकिन आज की तारीख में हमारे इम्पोर्ट्स हैं 17.6% ऑफ द GDP। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो डिक्लाइन देखने को मिला, दैट इज प्राइमरीली क्योंकि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो क्रैश कर गए। और अभी 2019 के बाद आपको पता है आजकल कोरोना क्राइसिस की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस और ज्यादा क्रैश कर रहे हैं। इसका मतलब जब अगला इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो आप देखेंगे कि ये जो 17.6% है ये फर्दर डिक्लाइन हो चुका होगा। इकोनॉमिक सर्वे हमारे को ये बताना चाह रहे हैं दैट देयर इज अ डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, देयर इज अ डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन आवर इंपोर्ट वैल्यू एंड आवर क्रूड ऑयल। जो हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है उसका और हमारे इंपोर्ट बास्केट का डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस ज्यादा होगा तो इंपोर्ट ज्यादा होंगे, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम होगा तो इंपोर्ट्स कम होंगे। ये इसे कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। दोनों में से आप कोई भी टर्म मेंशन कर सकते हो मेंस एग्जामिनेशन में, इट वुड वर्क इक्वली फाइन, राइट। इकोनॉमिक सर्वे ने दिखाया कि देखिए ये जो इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं ये सबसे ज्यादा कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द फॉल इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये सबसे बड़ा रीजन है, राइट। और यही चीज वेरीफाई होती है कैसे, कि जो हमारे टोटल इंपोर्ट्स हैं, टोटल इंपोर्ट्स में पेट्रोलियम ऑयल और ल्यूब्रिकेंट इंपोर्ट्स की वैल्यू थी पहले 32.1%। अगर हमने $100 के इंपोर्ट करे उसमें से $32 का हम इंपोर्ट कर रहे थे POL, पेट्रोलियम ऑयल और ल्यूब्रिकेंट, अब आज की तारीख में दैट शेयर इज ओनली 26.3। मतलब कि जो पेट्रोलियम है, जो क्रूड ऑयल है, उसका शेयर हमारे टोटल इंपोर्ट्स में फॉल कर रहा है, एंड राइटली सो। ये लाइन हमारे को दिखाती है कि देखिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस कितने ज्यादा कम हुए, पहले 96 पर बैरल थे, अभी हैं 64.7 डॉलर पर बैरल। तो जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे हैं वैसे वैसे ऑयल और पेट्रोलियम का हमारी इंपोर्ट में शेयर कम हो रहा है। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में हमने रिवर्स देखा था, वहां पर क्या हो रहा है कि जो हमारे मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें POL का शेयर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, कि हम जो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगे हैं। लेकिन ये इंपोर्ट में रिवर्स हो जाता है ट्रेंड, और ये दिखाया जा रहा है कि क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी ज्यादा गिर रहे हैं, उनके प्राइसेस गिरने की वजह से, क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरने की वजह से जो POL का हमारे इंपोर्ट्स में शेयर है वो कम होने लगा, राइट। और आपको याद होगा कि शुरू के कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल इंपोर्ट्स जो हैं वो भी कम हो रहे हैं। ध्यान से देखिए कि देखिए
हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, जस्ट लाइक एक्सपोर्ट्स में देखा था, POL एंड नॉन POL. ये देखिए थर्ड लाइन देखिए, मर्केंडाइज इम्पोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ GDP ये डिक्रीज हो रहे हैं, 24.3%, 18.7%, 18.9%, 17.6%. इसी को ग्राफ फॉर्म में हमने यहाँ पे देखा, राइट. इम्पोर्ट्स कम हो रहे हैं और उसमें भी POL इम्पोर्ट ज़्यादा कम हो रहे हैं, नॉन POL इम्पोर्ट्स तो कम हो ही रहे हैं. ये तो शुरू के कुछ लेक्चर्स में मैंने बताया था कि इंडिया जो है कम मशीनरी, कम टेक्नोलॉजी, कम कैपिटल गुड्स इम्पोर्ट कर रहा है क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है. अगर आपका बोला एनालिसिस याद हो तो मैंने बताया था कि क्योंकि डिमांड कम है, इंटरनेशनल डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड दोनों कम है, तो हमारे जो इंडिया के फैक्ट्री ओनर्स हैं वो बाहर से नई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे नॉन POL इंपोर्ट जो है वो गिर रहे हैं. और क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्रैश कर रहे हैं, इसकी वजह से POL जो इंपोर्ट्स हैं वो भी कम हो रहे हैं, तो ओवरऑल इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे आपको प्रीलिम्स में या मेंस में जैसे भी पूछा जाता है अकॉर्डिंगली आपको ये यूज करना है एनालिसिस, क्या कि इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, इंपोर्ट्स में भी POL ज्यादा कम हो रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस ज्यादा क्रैश कर रहा है, नॉन POL कम हो रहा है क्योंकि डिमांड जो है वो थोड़ी स्लगिश है, डिमांड जो है वो थोड़ी सबड्यूड है, डिमांड का जो कर्व है वो थोड़ा फ्लैटेंड है, एंड हेंस डिमांड में ग्रोथ नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो नॉन POL इंपोर्ट्स हैं वो भी डिक्लाइन कर रहे हैं. और इस वजह से क्योंकि हमारे ओवरऑल इंपोर्ट्स ही कम हो रहे हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो रहा है, विच इज अ नेगेटिव थिंग. नेगेटिव थिंग क्यों? अगर हमारा एक्सपोर्ट्स राइज होने की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा होता तो वो तो पॉजिटिव है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में. लेकिन हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है वो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, और ये बहुत हेल्दी साइन नहीं है. इंपोर्ट्स कम होने का मतलब है कि हमारी जो कैपिटल टेक्नोलॉजी है, जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं, जो हमारा ऑयल वगैरह है, वो कम इंपोर्ट हो रहा है. इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में डिमांड थोड़ी कम है. अगर करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपोर्ट्स कम होने की वजह से कम हो रहा होता तो वो पॉजिटिव माना जाता, राइट. ये हमने रिवाइज कर लिया फिर से, ये ऑलरेडी दो बार एक्सप्लेन कर चुका हूं पुराने लेक्चर्स में. तो पहला मेजर कंपोनेंट क्या हो गया हमारा? क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स गिर रहे हैं, पेट्रोलियम ऑयल और ल्यूब्रिकेंट के इंपोर्ट्स गिर रहे हैं क्योंकि जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो क्रैश हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट है वो ओवरऑल कम हो रहा है वैल्यू टर्म्स में, और साथ के साथ ओवरऑल इंपोर्ट्स जो हैं एज अ परसेंटेज ऑफ GDP वो भी कम हो रहे हैं. हमने देखा दे आर करंटली एट अबाउट 17.6% ऑफ द GDP. कोरोना की वजह से दिस विल फर्दर गो डाउन क्योंकि कोरोना की वजह से एक तो ट्रेड ठप पड़ा है, साथ के साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो $24-25 पर बैरल पहुंच चुके हैं. तो ये जो 17.6% का आप देख रहे हो इंपोर्ट का शेयर, दैट इंपोर्ट्स राइट नाउ आर 17.6% ऑफ द GDP, दिस विल फर्दर फॉल डाउन टू मे बी अराउंड 13-14% ऑफ द GDP क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है कोरोना का. तो यहाँ पे आप ये एनालिसिस भी मेंस में लिख सकते हो आने वाले टाइम में. इकोनॉमिक सर्वे दिखाता है कि क्रूड ऑयल के बाद POL के बाद जो हम सेकंड नंबर पे इंपोर्ट करते हैं दैट इज गोल्ड. POL के बाद पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट्स के बाद जो हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं दैट इज गोल्ड, राइट. इट इज द सेकंड बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ आवर इंपोर्ट बास्केट. नाउ गोल्ड बेसिकली आपको पता है कि इंडिया में एज अ सोर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी यूज किया जाता है गोल्ड. अगर किसी को अपनी ओल्ड एज के लिए सेविंग करनी है तो वो गोल्ड के फॉर्म में करते हैं, किसी को अपने बच्चों की शादी के लिए सेविंग करनी है तो वो गोल्ड के फॉर्म में करते हैं, इवन टेंपल वगैरह में अगर किसी को दान देना होता है तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गोल्ड के फॉर्म में देते हैं. गोल्ड की कंजम्पशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है एंड हेंस हम बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इंपोर्ट करते हैं हर साल. ध्यान से इसे देखिए, नॉन POL मतलब कि नॉन ऑयल एंड नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स मतलब कि गोल्ड और ऑयल के अलावा जो दूसरे इंपोर्ट्स हैं एज अ परसेंटेज ऑफ GDP दे आर डिक्लाइनिंग. 14%, 12.5%, 12.5%, 10.3%. पिछले एक दशक में, इन द पास्ट डिकेड, इन द पास्ट वन डिकेड, नॉन POL नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स दे हैव डिक्लाइंड बाय अबाउट 4%. दे हैव डिक्लाइंड बाय अबाउट 4%. मतलब कि अगर हम गोल्ड और ऑयल को हटा दें तो जो बाकी कमोडिटीज हैं, कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल और ये सब, उनमें भी हमारे को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है. इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि अगर नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं देन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, जो कि एक्चुअल में केस है. यहाँ पे देखिए ब्लू वाली लाइन पे फोकस करिए, नॉन गोल्ड नॉन ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं 15.2% थे इन अराउंड 2011-12 एंड नाउ दे आर अराउंड 10.3% नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स.
इसका मतलब जो हमारी इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रही थी, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रही थी कंजम्पशन के लिए, वो सारा का सारा खत्म हो गया, विच इज अ नेगेटिव साइन, राइट? तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो आपको मेंस और एसए में लिखने के लिए काम आएगा कि देखिए हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैटर ऑफ कंसर्न्स भी हैं और ये आउट ऑफ द बॉक्स पॉइंट्स हैं जो आपको एक्चुअल में लिखने हैं. दीज आउट ऑफ द बॉक्स पॉइंट्स विल एक्चुअली फेच यू मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन एंड एसए ऑफ कोर्स. सो यू हैव टू राइट कि जो हमारी इंपोर्ट बास्केट है दैट कंप्राइजेस मेजरली ऑफ गोल्ड एंड ऑयल. आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे टोटल इंपोर्ट्स की बात करूँ, नेट टोटल इंपोर्ट्स की बात करूँ, देन इट इज 17.6% इंक्लूडिंग गोल्ड एंड ऑयल. हम टोटल इंपोर्ट कर रहे हैं 17.6%. अब देखिए नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इज 10.3%. मतलब कि 7.3% इंपोर्ट्स हम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और ऑयल के फॉर्म में कर रहे हैं. मतलब कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर इंपोर्ट्स, ऑलमोस्ट हाफ अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ आवर इंपोर्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड ऑयल. 17.6% का 7.3% 7.3% जो है आउट ऑफ द 17.6% इज गोल्ड एंड ऑयल, विच इज अ वेरी ह्यूज चंक. इसका मतलब हमारी जो इंपोर्ट बास्केट है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज है ऑयल और गोल्ड का. और इकोनॉमिक सर्वे दिखाते हैं कि जो नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स हैं वो श्रिंक हो रहे हैं. ओवरऑल इंपोर्ट श्रिंक हो रहे हैं, POL वाले इंपोर्ट श्रिंक हो रहे हैं, नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स भी श्रिंक हो रहे हैं, विच इज अ नेगेटिव साइन. क्यों? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट शोज कि हमारी डिमांड जो है वो कम है, डिमांड जो हमारी श्रिंक हो रही है, राइट? तो ये एनालिसिस हो गया हमारे इंपोर्ट्स का. यहां पे कंपैरिजन दिया हुआ है हमारी इंपोर्ट बास्केट का. सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम, देन आता है गोल्ड, राइट? थर्ड नंबर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अलग अलग तरीके के POL प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस एंड ऑल. देन सी कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स 4.8%. अब देखिए कोल इंपोर्ट जो हैं वो हमारे इंक्रीज हुए हैं. पहले 3.6% ऑफ द GDP के इंपोर्ट थे कोल के, अब 4.8% है. मेरे को ये नहीं समझ आता, इंडिया हैज द फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड एज पर इंडिया ईयरबुक 2020. इस साल की जो इंडिया ईयरबुक है वो कहती है कि हमारे पास फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं वर्ल्ड के. उसके बावजूद हमारे इंपोर्ट्स में ऑलमोस्ट 5% वेटेज जो है वो कोल को दी गई है, विच इज सरप्राइजिंग. इसका मतलब हमारे यहाँ जो कोल एक्सट्रैक्शन है, हमारे यहाँ जो कोल माइनिंग है वो ठीक से नहीं हो रही है. इसका मतलब हमारे को अपनी कोल माइनिंग पॉलिसी चेंज करने की यहाँ पे जरूरत है. देन पर्ल्स, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स 4.6%. नाउ दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, ये अच्छा है. क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ वेरी बिग एक्सपोर्टर ऑफ ज्वेलरी. इंडिया जो है ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करके बाहर एक्सपोर्ट करता है. ज्वेलरी के लिए आपको स्टोन्स चाहिए, पर्ल्स चाहिए, सेमी प्रेशियस स्टोन्स चाहिए, तो दिस इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट. इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स अगेन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री मशीनरी में यूज होते हैं. टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, देन ऑर्गेनिक केमिकल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, आयरन एंड स्टील, ये सारे के सारे कैपिटल गुड्स हैं, प्रोडक्टिव गुड्स हैं. लेकिन अगर हम बात करें कोल की, दिस इज सरप्राइजिंग कि इंडिया हैज द फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड एंड देन ऑल्सो इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट इन आवर इंपोर्ट बास्केट. आप देखिए फोर्थ लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट है हमारी इंपोर्ट बास्केट में कोल, विच इज सरप्राइजिंग. और जो कि खराब बात है कि हमारे पास फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं उसके बावजूद हम इतना कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट? लेकिन एक चीज आपको यहां पे और ऑब्जर्व करनी होगी कि जो हमारे गोल्ड इंपोर्ट्स हैं वो भी काफी सिग्निफिकेंटली कम हुए हैं. इसका रीजन आप कह सकते हो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, भारत सरकार की जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम थी, साथ के साथ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जिसमें आप पेपर फॉर्म में गोल्ड खरीद लेते हो, बॉन्ड के फॉर्म में गोल्ड खरीद लेते हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. इसके अलावा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, गोल्ड ETFs. ETFs क्या होता है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, तो आप पीछे वाले वीडियोस देखिए, आपको वहां पे मिलेगा कि ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन. तो बेसिकली जो गोल्ड के इंपोर्ट्स कम हुए हैं 11.6% से 6.4% तक, इसका रीजन आप कह सकते हो कि हमारी जो ये तीन स्कीमें हैं, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और गोल्ड ETFs, इनकी वजह से हमारे को गोल्ड इंपोर्ट्स में कटौती देखने को मिली है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक मोर सच स्टेप्स सो दैट द गोल्ड इंपोर्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, किस प्रपोर्शन में इंपोर्ट करते हैं,
और टॉप फाइव इंपोर्ट्स क्या हैं हमारे, ये आपको ध्यान रखना होगा, मेंस में बहुत काम आने वाला है, प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही है, राइट? तो आपको ध्यान रखना है क्या, ओवरऑल इंपोर्ट्स कम, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम, गोल्ड इंपोर्ट्स कम, नॉन पीओएल नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स कम, विच इज अ नेगेटिव थिंग, मतलब कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सामान यूज होता है, कोल, पर्ल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, केमिकल्स, मशीनरी, आयरन स्टील, इन सब का इंपोर्ट भी कम हुआ है। अब आपको पता है ये सारी चीज़ें तो इंडस्ट्री में यूज होती हैं, इसका मतलब क्योंकि मार्केट में डिमांड कम है, इस वजह से टाटा अंबानी ऐसी कंपनियां जो हैं वो इन सब चीज़ों का कम इंपोर्ट कर रही हैं। नॉन पीओएल नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स दे आर ऑल्सो श्रिंकिंग। तो ओवरऑल सिनारियो हमारे को समझ आ गया क्या, कि एक्सपोर्ट्स जो हैं कम हो रहे हैं, और उसमें भी हमने देखा कि जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा कम हो रहे हैं। साथ के साथ हमने देखा क्या कि जो नॉन पीओएल एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है और पीओएल एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, कि जो नॉन पीओएल एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा श्रिंक कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा हमने देखा कि हमारे किस तरीके से इम्पोर्ट में और एक्सपोर्ट में ऑयल का एक बहुत बड़ा रोल है। अब अगर हम इम्पोर्ट्स को थोड़ा और डिटेल में देखें, इकोनॉमिक सर्वे में ही एक टेबल दिया हुआ है कंट्री वाइज इम्पोर्ट्स का, कि हमारी जो इम्पोर्ट बास्केट है उसमें 2011-12 में उनका क्या शेयर था और 2019-20 में क्या शेयर है। चाइना से हमने जो इम्पोर्ट्स हैं वो इंक्रीज करें, पहले हम 11.2% करते थे इम्पोर्ट्स, आज 14.5% करते हैं, तो चाइना से हमारे इम्पोर्ट्स इंक्रीज हुए। लेकिन येट हमने देखा था क्या कि चाइना इज़ आवर सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर यूएस, यूएस से हमारे इम्पोर्ट्स इंक्रीज हुए, यूएई से हमारे इम्पोर्ट्स कम हुए, सऊदी अरेबिया से कम हुए, इराक से बढ़े हैं। इसका मतलब पहले हम सऊदी अरेबिया से ज़्यादा ऑयल खरीदते थे, अब हमने उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई कर दिया है और इराक की तरफ थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, यहाँ से यह सिग्नल मिलता है, राइट? ज़्यादा इस टेबल को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शुरू की 2-3 कंट्रीज आपको देखनी है, उसके अलावा इतना रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ सऊदी अरेबिया इराक तक देख लीजिए काफ़ी है, राइट? सो दिस इज द कंट्री वाइज डेटा एज फार एज आवर मर्केंडाइज इम्पोर्ट्स आर कंसर्न्ड, राइट? तो ओवरऑल जो हमारा इम्पोर्ट बिल है वो श्रिंक हो रहा है, ओवरऑल जो हमारा इम्पोर्ट बिल है वो कम हो रहा है, मतलब कि हम टोटल वैल्यू के जो इम्पोर्ट्स कर रहे हैं वो वैल्यू कम हो रही है, हमने वो ग्राफ्स वगैरह से देख लिया, राइट? मतलब कि पहले हम इम्पोर्ट्स के फॉर्म में कितना पैसा खर्च कर रहे थे, 26.8% ऑफ GDP, इतना पैसा खर्च कर रहे थे, आज की तारीख में कितना खर्च कर रहे हैं इम्पोर्ट्स के ऊपर, 17.6% ऑफ GDP। तो मतलब इम्पोर्ट बिल हमारा कम हो गया है, इम्पोर्ट्स के ऊपर जो हम खर्चा कर रहे हैं वो कम हो गया है, राइट? एंड ऑफकोर्स हमने देख लिया क्या, क्रूड ऑयल प्राइसेस, नॉन पीओएल, ये सब देख लिया। कमिंग टू WTO की एक रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे उसे मेंशन करता है, और इकोनॉमिक सर्वे दिखाता है कि अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें, अगर हम मर्केंडाइज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, कंबाइंड बात करें फॉरेन ट्रेड की, देन इंडिया हैज़ वन ऑफ द हाइएस्ट टैरिफ स्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है बाहर से आने वाले गुड्स पे, दैट इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अब इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। अगर हमारी इम्पोर्ट ड्यूटी हाई है तो जो हमने ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करा था ये उसके अगेंस्ट जाता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगाओगे तो आपका ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस स्लो होगा, साथ के साथ अगर आप ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहे हो तो अल्टीमेटली जो आपके गुड्स हैं वो महंगे होंगे, इन्फ्लेशन होगी। मान लीजिए आपने बाहर से आयरन एंड स्टील मंगाया, उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, अब वो आयरन एंड स्टील टाटा ने यूज़ करा अपनी गाड़ी में, उन्होंने कहा कि क्योंकि भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है आयरन और स्टील पे, तो अब जो मैं टाटा की गाड़ी बेचूंगा उसका रेट बढ़ा के बेचूंगा क्योंकि मेरे को आयरन और स्टील जो है वो महंगे रेट पे मिला है। इस तरीके से कहीं ना कहीं हाई इम्पोर्ट ड्यूटी लीड्स टू इन्फ्लेशन एज वेल। तो ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट होती है और इन्फ्लेशन आती है। लेकिन अगर हम हाई इम्पोर्ट ड्यूटी का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो प्रोटेक्टेड रहती है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो सेफ रहती है, इन अ वे कि
बाहर से जो गुड्स आ रहे हैं वो आसानी से अंदर नहीं आ सकते, और जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कंफर्टेबली अपनी आइटम्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, राइट? तो हाई इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड मार्केट एक्सेस, रिस्ट्रिक्टेड मार्केट एक्सेस, राइट? तो WTO दिखाता है कि इंडिया के पास वन ऑफ द हाईएस्ट इंपोर्ट टैरिफ्स इन द वर्ल्ड है, वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड है, जिसका मतलब हमारी इंपोर्ट ड्यूटी काफी हाई है, और उसके प्रोज एंड कॉन्स हमने देख लिए प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। WTO का डेटा दिखाता है कि अगर हम कंपेयर करें, आपको नंबर नहीं याद रखना, नंबर इग्नोर करिए प्लीज, ये जो ऊपर नंबर दिया हुआ है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फोकस करना है लेंथ ऑफ द बार ग्राफ पे। WTO का डेटा हमारे को दिखाता है कि इंडिया के पास सबसे ज्यादा इंपोर्ट टैरिफ है, ये देखिए हमारी बिल्डिंग सबसे ऊंची है, इंडिया हाईएस्ट इंपोर्ट टैरिफ, और इस वजह से हमारे यहाँ जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा इंपैक्टेड रहता है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग वीक रहती है, हमारे जो फर्दर एक्सपोर्ट्स हैं वो वीक रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगा रहे हो, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो महंगा सामान बेचेगा, महंगा सामान बेचेगा तो एक्सपोर्ट्स भी महंगे होंगे, एक्सपोर्ट्स महंगे होंगे तो कोई खरीदेगा नहीं। अब इसको कंपेयर करो, सिंगापुर के पास ऑलमोस्ट जीरो इंपोर्ट ड्यूटी है, चाइना के पास इंडिया से 1/3 है, ब्राज़ील के पास ठीक है कंपेरेबल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास अगेन 1/3 है, कनाडा के पास 1/4 है, जापान के पास देखिए और कम, रशिया के पास बहुत कम, स्विट्जरलैंड, US के पास देखिए कितनी कम है, 1/6, इवन लोअर देन चाइना इंपोर्ट ड्यूटी की अगर बात करें तो, वियतनाम के पास इंडिया से ऑलमोस्ट हाफ है। तो अगर हम आसियान नेशंस और बाकी दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो इंडिया का इंपोर्ट टैरिफ बहुत ज़्यादा हाई है। ये डेटा आपको कोट करना है मेंस में अगर पूछा जाता है, या फिर इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है कि इंडिया का जो ट्रेड साइकिल है या इंडिया का जो ट्रेड सिनारियो है वो क्यों इंपैक्टेड रहता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्या, हमारा इंपोर्ट बैरियर, टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड, इसे कहा जाता है टैरिफ बैरियर्स, दैट एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, कंपेयर टू चाइना एंड US, कंपेयर टू आसियान नेशंस, इवन सिंगापुर में तो जीरो ही है, तो कंपेयर टू दीज कंट्रीज हमारा इंपोर्ट बैरियर बहुत ज्यादा है, टैरिफ बैरियर बहुत ज्यादा है, राइट? तो इस लेक्चर में इतना ही, आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। टू सब्सक्राइब टू एन अकेडमी यू कैन यूज माई रेफरल कोड मुदित गुप्ता, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, डू ज्वाइन दैट फॉर ऑल द अपडेट्स।